चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है कांग्रेस की, और उसको लेकर संवाददाता ने हमें जानकारी दी। दुबे जी, मैराथन बैठकें जो चल रही हैं कांग्रेस में, आज से शुरुआत इसकी हुई है, 4 दिनों की मैराथन बैठकें, और जिस तरह से संवाददाता ने भी जानकारी दी कि फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है उसकी जानकारी दी गई, लेकिन दिग्विजय सिंह का इन बैठकों में मौजूद रहना, खास तौर पर उस वक्त जबकि संसद का मानसून सत्र की आज से शुरुआत हुई है, कैसे देखा जाए? दिग्विजय सिंह आज बैठक में मौजूद हैं। इसके पहले वो आंदोलन में वाटर कैनन का सामना कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में ही सक्रिय रहेंगे। ठीक है। जो भी ये तो परिपक्व नेता है दिग्विजय सिंह, ये राजनीति की हवा भांप लेते हैं। जब से इन लोगों को लग रहा है, पिछले जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और शाह दिल्ली पहुंचे हैं, तब से विपक्षी दल के नेताओं को राजनीति करने की कोई जगह दिल्ली में बची नहीं है। ठीक है। कोई भी नेता वहाँ अपना स्कोप नहीं देख रहा है। इसलिए अपने अपने राज्यों में, जिस तरह से कमलनाथ जी 40 सालों के बाद मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए, प्रदेश अध्यक्ष बन के आए और मुख्यमंत्री बन गए, एक उपलब्धि हासिल कर दी। यदि दिल्ली में रहते तो वहाँ कुछ एक सांसद के अलावा कोई उनको बिल्कुल। वहाँ कुछ गेन करने के लिए कुछ नहीं बचा है अभी दिल्ली में। जब तक कि कांग्रेस संगठित होकर और पुनर्गठित होकर सहयोग दलों के साथ कोई बड़ा अभियान नहीं चलाती है या चुनावी जीत दर्ज नहीं करती है, तब ठीक है। तक राज्य में ही संभावनाएं हैं। और दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश के एक एक क्षेत्र से वाकई में लोगों से उनका परिचय है, तो उनकी जो उपयोगिता है वो खुद स्वयं समझते हैं कि मध्य प्रदेश में ही जो कुछ किया जा सकता है। और वो उनकी जो प्राथमिकता है कि अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की, तो उसके लिए वो सक्रिय रहेंगे और धीरे धीरे उसका स्थान बनता जाएगा। क्योंकि जो तरह से सिंधिया हम उम्र थे तो वो चले गए बीजेपी में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उम्र मेहनत करने की 2-5 साल और रहेगी, फिर इसके बाद की जो नेतृत्व उभारना है उसके लिए दिग्विजय सिंह प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो बैठकें चल रही है वो उपचुनाव के लिए चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ही समझ चुकी है कि आंदोलन इस कोरोना काल में बड़े खड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, ये कैसे साबित होगा? तो इसके लिए जैसे ही दमोह विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता और उसका एक माहौल बन गया प्रदेश में, और अब 4 उपचुनाव है, एक खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभाओं, तो कांग्रेस इसमें यदि 2 भी जीत गई तो 2023 के लिए अपना माहौल उसी प्रकार बनाने में कामयाब होगी जिस प्रकार 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले अटेर, चित्रकूट, मुंगावली और कोलारस जीत कर कांग्रेस ने अपनी संभावना उज्जवल की थी। और दुबे जी, एक और प्रश्न यहाँ पर मेरा रहेगा कि जहाँ तक 4 उपचुनाव जो होने वाले हैं, ऐसे में खंडवा का लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस के लिए आप महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर प्रत्याशी की बात करें तो शुरुआत में अरुण यादव का नाम निकल कर सामने आ रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई नामों की चर्चा उस स्तर तक नहीं पहुंची है। और दूसरा इसलिए भी अहम है कि अगर 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो केवल 1 लोकसभा सीट जो कि छिंदवाड़ा की है वो कांग्रेस के खेमे में है। तो क्या पूरा जोर इस पर भी रहेगा कि 1 सीट और लोकसभा की अपने पाले में की जाए तो संख्या 2 भी पहुंचेगी, और खंडवा में एक जनाधार जो था, जो बीजेपी के पक्ष में जाता था, उसे अपने खेमे में करने की कोशिश? पूरी कोशिश है, और कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यही है कि उनके यहाँ सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हैं, ठीक जबकि है। बीजेपी में जो सांसद जिनका निधन हुआ है, नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान, कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस अपनी तगड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ऐसे में किसी एक को मिलेगा तो बाकी 2 काम करेंगे कि नहीं, इस पर शक रहेगा। कांग्रेस को कुछ सीटों पर अच्छी मजबूत स्थिति, जैसे पृथ्वीपुर विधानसभा सीट है जिसपे स्वर्गीय बिजेंद्र राठौर का अच्छा दबदबा दखल रहा, वे उस इलाके से 2 बार निर्दलीय भी जीते, और इस बार उनके बेटा नितिन राठौर बेटू को चुनाव लड़ाने कांग्रेस जा रही है, जो ठीक है। उनकी जनाधार के साथ साथ सहानुभूति शहर में भी उसको फायदा मिलेगा। तो कांग्रेस के लिए अच्छा यही कि उसके पास बेहतर प्रत्याशी है और मजबूत जनाधार वाली सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा अपनी संभावनाएं रेगांव और जोबट में तलाशेगी,
जोबट भी कांग्रेस के पास विक्रांत भूरिया जैसा प्रत्याशी है, आदिवासी इलाका है, कांतिलाल भूरिया का इलाका है, वहां भी भाजपा को मुश्किल है। रेगांव में बिंद में पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो मुझे लगता है रेगांव में उसकी अच्छी संभावनाएं बनती है। बिल्कुल, कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत लेगी तो अपना संदेश बनाने में कामयाब होगी 2023 की। चलिए बिल्कुल दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।